सो हे गेमर्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के यार गाइस। फाइनली आज 21 सितंबर एंड हमारे गेम के अंदर आने वाला है OB36 का बिल्कुल ही नया अपडेट। और गाइस इस अपडेट के बीच ना हमारा जो गेम है वो अंडर मेंटेनेंस में रहेगा, मतलब कि आज आप लोग दिन भर अपना जो गेम है वो नहीं खेल पाओगे। और अगर आप लोग अपना फ्री फायर मैक्स खेलना है तो सबसे पहले आप लोगों उसे अपडेट करना होगा, और अपडेट कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और गाइस साथ ही साथ इस अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो गाइस कौन कौन से चेंजेस होंगे, क्या कुछ नया हमारे गेम के अंदर, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो यार वीडियो ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो चलो यार फटाफट से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट जरूर से करना, ताकि यार फ्री फायर के अंदर आने वाला कोई भी अपडेट इवेंट आपका मिस ना हो पाए। वेल गेमर्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में, क्योंकि यार देखो फ्री रिवॉर्ड्स किसको पसंद नहीं है भाई, सभी को फ्री रिवॉर्ड्स पसंद है, जो कि यार आप लोगों को इस अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। तो गाइस देखो सबसे पहले तो आप लोग अपना जो गेम है वो अपडेट कर लेना। अपडेट कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन जैसे ही आप लोग अपना जो गेम है वो अपडेट कर लोगे ना, तो सबसे पहले तो आप लोग को एक लोडिंग स्क्रीन देखने को मिलेगा, जो कि यार कुछ इस टाइप का होगा। अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो यहां पर भूया लिखा हुआ है, क्योंकि यार हमारे गेम के अंदर अपडेट के बाद भूया का इवेंट आने वाला है, ठीक है। तो गाइस भूया के थीम पे आप लोग को लोडिंग स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग जैसे अपने गेम के अंदर जाओगे आप लोगों को एक न्यू लॉबी देखने को मिल जाएगा। लॉबी में भी यार कुछ इस टाइप का हो सकता है, देखो यार चांसेस काफी ज्यादा है कुछ इसी टाइप का आप लोगों को लॉबी देखने को मिलेगा। और गाइस अपडेट करने के बाद अपने गेम के अंदर लॉगिन करने पे आप लोगों को कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, जैसे कि फ्री का डायमंड रोल का वाउचर हो गया, वेपर रोल का वाउचर हो गया, और भी कुछ छोटे-मोटे रिवॉर्ड्स आप लोगों को लॉगिन करने के बाद बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएंगे। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं नए-नए फीचर्स के बारे में, यार इस अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर क्या कुछ नया आएगा। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जब भी हमारे गेम के अंदर ओबी का अपडेट आता है गरीना वाले तीन चीजें जरूर ऐड करते हैं, जैसे कि न्यू कैरेक्टर, न्यू पेट और न्यू वेपन, ठीक है। तो इस बार भी हमारे गेम के अंदर एक न्यू कैरेक्टर आने वाला है जिसका नाम होगा तत्सुया। एंड गाइस इस कैरेक्टर की एबिलिटी काफी बढ़िया है। इस कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि भाई अगर आप लोग इसका स्किल यूज करते हो तो ये एक बैक से बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ेगा। लाइक अभी आप लोग एक वीडियो क्लिप के अंदर देख लो, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये 2 सेकंड के लिए बहुत ही ज्यादा स्पीड दौड़ेगा। तो गाइस अगर आप लोग एक रसर प्लेयर हो ना, मतलब रस करके खेलते हो क्लैश कोड के अंदर, तो गाइस ये वाला कैरेक्टर आपका बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। और गाइस इस कैरेक्टर की एबिलिटी जो है वो एक्टिव स्किल है, तो आप लोग को एबिलिटी कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं न्यू पेट के बारे में, जो कि यार आप लोग को अपडेट के बाद देखने को मिलने वाला है। तो गाइस जो हमारा न्यू पेट है वो कुछ इस टाइप का होने वाला है, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। और बात करें इस पेट के स्किल के बारे में, तो गाइस देखो स्किल काफी बढ़िया है, लेकिन आप लोग ध्यान से समझना, बेसिकली अगर आप लोग इस पेट को लेकर खेलते हो किसी भी मोड के अंदर, तो आपका जो भी टीममेट रहेगा, आपका टीममेट अगर डाउन होता है या फिर किल होता है ना, तो आप लोग को एक्स्ट्रा एचपी मिलेगा। मैक्स लेवल पे आप लोग को 15 HP मिलने वाला है, ठीक है। और माना कि अगर आपका HP फुल रहेगा तो उस कंडीशन में आप लोग को 30 EP मिलने वाला है इसके मैक्स लेवल पे, मतलब कि आप लोग को पेट की एबिलिटी को मैक्स करना होगा तब जाके आप लोग को 30 EP मिलेगा HP फुल रहेगा तो। और अगर आपका HP फुल नहीं है तो गाइस आप लोग को 15 HP मिलेगा, ठीक है। तो गाइस स्किल काफी बढ़िया मुझे लगा, आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं न्यू वेपन के बारे में, जो कि यार हमारे गेम के अंदर अपडेट के बाद आने वाला है। तो गाइस देखो वेपन कुछ इस टाइप का होगा, और गाइस ये होने वाला है हमारा ट्रीटमेंट वेपन, जिसको यार आप लोग अपने दोस्तों को हील करने में यूज कर सकते हो। लाइक अभी हमारे गेम के अंदर जो हीलिंग वाला गन होता है ना, वैसा ही ये वाला ट्रीटमेंट वेपन होने वाला है, और इस वेपन से आप लोग अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी हील कर सकते हो। जैसे कि अभी आप लोग वीडियो क्लिप के अंदर देख सकते हो, आपका दोस्त कितना भी डैमेज रहेगा ना, तो आप लोग एक बार में अपने दोस्तों को पूरा हील कर पाओगे। और गाइस इस वेपन का कूल डाउन टाइम भी बहुत कम होने वाला है, मतलब कि तुरंत ही चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस इस वेपन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, बेसिकली ये जो वेपन है वो मेन स्लॉट के अंदर रहेगा। लाइक अगर आप लोग इसे लेना चाहोगे ना, तो आप लोग को दूसरा गन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो गाइस ये वाला मुझे काफी बुरा लगा। और गाइस इस न्यू ट्रीटमेंट वेपन से आप लोग इनेमी को भी डैमेज नहीं दे सकते, जैसे कि हमारे गेम के अंदर जो अभी ट्रीटमेंट वेपन चलता है, जो हीलिंग वेपन चलता है, उससे अगर हम लोग अपने दोस्तों को हील करते तो वो हील हो जाता है, लेकिन अगर उसी को हम लोग इनेमी को मारते हैं तो इनेमी को डैमेज लगता है। लेकिन गाइस ये जो वेपन हमारे गेम के अंदर आने वाला है, ट्रीटमेंट वेपन जो न्यू वाला आने वाला है, इससे अगर आप लोग इनेमी को मारोगे तो इनेमी को कोई भी डैमेज नहीं लगेगा। तो गाइस ये भी थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, आप लोग कैसा लगा कमेंट के अंदर बता सकते हो। और गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो हमारे गेम के अंदर आने वाले सीएस रैंक से है। जैसे कि अगर आप लोग अभी सीएस रैंक खेलते हो तो सामने वाले बंदे को मारते हो तो वो पहले डाउन होता है, उसके बाद किल होता है, ठीक है। लेकिन गाइस अपडेट के बाद अगर आप लोग सीएस रैंक खेलोगे ना और सामने वाले इनेमी को मारोगे तो वो डायरेक्ट किल हो जाएगा, वो डाउन नहीं होगा, डायरेक्ट मर ही जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये वाला भी मुझे ठीक ठाक सा लगा। एंड गाइस साथ ही साथ देखो वेपन के अंदर भी एडजस्टमेंट कर सकते हो सीएस रैंक के अंदर, मतलब कि सीएस रैंक के अंदर कुछ कुछ वेपन के अंदर आप लोग चिप लगाकर उसे अपग्रेड भी कर सकते हो। एंड गाइस ये वाला फीचर मुझे काफी बढ़िया लगा, जैसे कि आप लोग पोस्टर के अंदर देख ही पा रहे होगे, ठीक है। और गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि यार होने वाला है
हमारा परमानेंट गन स्किन को लेकर। बेसिकली गाइस देखो, अभी अगर आप लोग अपने गेम के अंदर गन का क्रेट्स वगैरह ओपन करते हो तो वो आप लोग को परमानेंट मिलता है या तो फिर आप लोग कुछ डेज के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन अपडेट के बाद अगर आपके पास बहुत सारे गन के क्रेट्स है ना, और अगर आप लोग उन सभी क्रेट्स को ओपन करते हो तो अगर आप लोग कोई भी परमानेंट गन स्किन नहीं मिलता है, कुछ दिनों के लिए मिलता है, तो उसके अंदर आप लोग को परसेंटेज देखने को मिलेगा। और गाइस वहां पर मतलब जितने बार आप लोग गन का बॉक्स ओपन करोगे ना, आप लोग को धीरे धीरे वो जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा। एंड गाइस एट द एंड आप लोग को लास्ट में 100% होने पे वो जो गन स्किन है वो आप लोग को परमानेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखो इससे पहले क्या होता था कि भाई इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं, भाई आप लोग 50 क्रेट ओपन कर रहे हो या फिर 100 क्रेट ओपन कर रहे हो, आप लोग को परमानेंट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अपडेट के बाद गाइस अगर आप लोग 50 क्रेट ओपन करोगे ना तो आप लोग कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब एक लिमिट होगा कि 50 से 60 क्रेट आप लोग ओपन करना है, और जैसे ही उस गन के ऊपर 100% लक हो जाएगा फाइनली आप लोग को वो जो गन स्किन है वो परमानेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये वाला फीचर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, जो कि यार आप लोगों को इस अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। और गाइस फाइनली अब हम बात कर लेते हैं अपडेट के बारे में कि यार आप लोगों को फ्री फायर मैक्स को अपडेट कैसे करना है, क्योंकि यार जब तक आप लोग अपने गेम को अपडेट नहीं करोगे आपका जो गेम है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो गाइस देखो, फिलहाल अगर आप लोग अभी अपना जो गेम है वो ओपन कर रहे होगे तो ओपन हो जा रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा सा पहले डाल दूंगा, लेकिन 9:30 बजे करीब करीब हमारे गेम के अंदर मेंटेनेंस ब्रेक आने वाला है। और गाइस 9:30 बजे आप लोग कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा अपडेट टाइप का मिलेगा, एंड गाइस हमारा जो गेम है वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है, अपडेट के लिए वेट करना है, 11 या फिर 11:30 बजे तक आप लोग को प्ले स्टोर के ऊपर फ्री फायर मैक्स का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, 11:30 बजे प्ले स्टोर के ऊपर सर्च कर लेना है फ्री फायर मैक्स, एंड वहां पर आप लोग को अपडेट देखने को मिलेगा, एंड आप लोग को सिंपली से अपडेट कर लेना है अपने गेम को। एंड गाइस अपडेट करने के बाद भी आपका जो गेम है वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग को वेट करना है 5:30 बजे तक, ठीक है। और जैसे ही 5:30 बजते हैं फाइनली हमारा जो गेम है वो ओपन हो जाएगा। वैसे गाइस आप लोग को पहले ही अपडेट करके रख लेना, आप लोग को अपडेट प्ले स्टोर के ऊपर 11 या फिर 12 बजे ही देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना जो गेम है वो अपडेट करके रख लेना है। वैसे मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। और गाइस देखो, जैसे ही हमारा जो गेम है वो अपडेट हो जाता है, एंड 5:30 बजे जैसे ही हमारा जो गेम है वो ओपन हो जाता है, तो आप लोग को एक न्यू लॉबी देखने को मिलेगा, एक न्यू लोडिंग स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस लॉग इन करने के बदले डैमर रोल के वाउचर, वेपन रोल के वाउचर, ये सब आप लोग को बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगा। और गाइस हाँ, रैंक टोकन से आप लोग को एक नया बंडल भी देखने को मिलेगा, जो कि यार कुछ इस टाइप का होगा। एंड गाइस ये जो बंडल है वो आप लोग को रैंक टोकन के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिससे यार आप लोग रैंक टोकन से इस वाले बंडल को बिल्कुल ही फ्री में एक्सचेंज कर सकते हो। और गाइस साथ ही साथ एफएफ टोकन के अंदर भी आप लोग को एक नया बंडल देखने को मिलेगा, बंडल कुछ इस टाइप का है, आप लोग ये वाला बंडल भी देख लो। तो गाइस दोनों बंडल आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में टोकन के बदले, एक्सचेंज करने के बदले बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। तो ये दोनों बंडल आप लोग कैसे लगे कमेंट के अंदर बताना। और गाइस साथ ही साथ आप लोग एक नया गोल्ड रॉयल भी देखने को मिलेगा, जो कि यार आज नहीं कल 22 तारीख को देखने को मिलेगा। गोल्ड रॉयल के अंदर एक फीमेल बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि यार कुछ इस टाइप का बंडल होने वाला है। बंडल कैसा लगा कमेंट के अंदर बता सकते हो, ठीक है। वैसे गाइस इस अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर और भी काफी कुछ छोटे छोटे चेंजेस होने वाले, जो कि यार एक वीडियो के अंदर कवर नहीं होगा। तो गाइस अपडेट सबसे पहले आ रहे थे, उसके बाद मैं आप लोग को सारा कुछ अच्छे से वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल गाइस आप लोग अभी वेट करो, जैसे ही हमारे गेम के अंदर मेंटेनेंस ब्रेक आता है आप लोग को सबसे पहले गेम को अपडेट करना है, उसके बाद गाइस 5:30 बजे तक वेट करना है, उसके बाद 5:30 बजे के बाद हमारा जो गेम है वो फाइनली ओपन हो जाएगा। तो होपफुली गाइस आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैंने आप लोग को सारा कुछ तो बता ही दिया, लेकिन अगर आप लोग को अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके पूछ लेना, ठीक है। तो बस मेरे भाई यार आज के इस वीडियो इतना ही, मिलेंगे किसी और न्यू वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय।